तो आज दिन की शुरुआत हो रही है लंच से, और लंच कर रहे हैं हम धूप में, पहाड़ों के बीच और खूबसूरत सी धूप के साथ। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे और मैं निकल चुकी हूँ ऑफिस से। तो फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और सनसेट का टाइम हो रहा है, तो अभी ना एकदम ही अंधेरा हो जाएगा। तो आज मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया था, बस लंच किया ऑफिस में, उसके बाद काम काम काम। तो चलिए फिर स्टार्टिंग तो कर ही लेते हैं। तो प्रणाम नमस्कार पहला सभी को, आई होप कि सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज है ऑफिस वाला दिन था, तो वो हमने काम वगैरह कर लिया है, अभी हमारी तैयारी हो रही है घर जाने की। तो मेरे साथ आ रही है दीपा, वो पीछे ही है तो उसका वेट कर रही हूँ मैं, और फिर चलते हैं। मार्केट से मैंने ले लिया है सामान, और मेरा टाइमिंग ऐसी रहती है ना, दिन भर पूरे मार्केट में आज बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हमारे आते आते ना सब बिल्कुल एकदम शांत माहौल हो गया, क्योंकि आजकल दिन छोटे हैं। 5 बजे निकले तो 5:15 के आसपास मैं पहुंची मार्केट, और फिर उसके बाद थोड़ा सा सामान लिया। और अभी देखिए पहाड़ों का नज़ारा कैसा खूबसूरत सा दिख रहा है, मतलब सनसेट के बाद ना, और ठंड भी बरकरार है। तो मेरा जो छोटा मोटा सामान था, बाकी तो मेरा हल्द्वानी से आ ही गया था, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो चीज़ मेरे को लेनी थी, तो वो जल्दी से मैंने निपटा दी है। तो अब चलते हैं सीधा घर, और फिर मिलते हैं आपको आज के ब्लॉग पर। क्या ऐड करेंगे वो फिर आपको बाद में पता चलेगा। हो चुका है अंधेरा, और जो मेरी शॉपिंग हुई ना, मतलब शॉपिंग तो क्या कहना चाहिए, छोटी मोटी चीजें हुई, तो मैं लेके आई बिंदिया, जो कल जैसे फास्ट है ना करवा चौथ का, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं करवा चौथ की, सभी सुहागन महिलाओं को, और भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें मैं लेके आई हूँ, यानी कि बिंदी वगैरह, और कुछ मेरे को पूजा का सामान लेना था, और लेके आई हूँ मैं। मेन चीज़ ये है कि मैं हमेशा मतलब एक कीप लेके आती हूँ, और खुद ही मेहंदी डिज़ाइन कर लेती हूँ अपने हाथ में। और साथ में ये वाला जो ऐपन आपने देखा होगा, ग्रामीण हिमालयन हार्ट का मैंने एक वीडियो डाला था, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि एक जो लड़की मिली थी हर्षिता पेंटिंग करके, उनका स्टॉल था, तो वो फाइन आर्ट कर रही थी अल्मोड़ा से, तो उनसे मेरी बात हुई, तो आज उन्होंने ये पेंटिंग भिजवाई है, क्योंकि ये पेंटिंग ना मुझे बहुत पसंद आई थी, और इसे मैं अपने घर के वॉल पे लगाऊंगी। तो काफ़ी मुझे मतलब जो उत्तराखंड की संस्कृति है ना, खासकर ऐपण से, तो मैं भी दिवाली में धेली वगैरह तो लिखती हूँ, लेकिन ये चीज़ें अभी मैंने स्टार्ट नहीं की हैं। तो ये दो पेंटिंग मेरे को वहाँ पर पसंद आई थी, तो उन्होंने आज ये भिजवा रखी है। मैंने बोला था उनको लास्ट डे आप मेरी पसंद की पेंटिंग को भिजवा देना, तो अभी मेरे को मिली है, थैंक यू इसके लिए। और अब हम शाम की तैयारी करेंगे, और बाकी तो फिर कल का ही देखेंगे कि कल के दिन में क्या होता है। और बाहर हो चुका है अंधेरा, क्योंकि बाहर हम ऐसा सूट कर भी नहीं सकते हैं। फिलहाल मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, अब शाम के खाने की तैयारी होगी, तो फिलहाल इसको संभाल लेते हैं, और बाकी तो आपको कल पता चलेगा, जैसे मतलब सूट साड़ी जो भी है, तो उसको तो मैं ऐसे शायद वीडियो में दिखाना भी नहीं चाहूँगी, वो मैं हल्द्वानी से मैंने कर लिया था, पहले हल्द्वानी से लेके आई थी, लेकिन जो कुछ कुछ चीज़ें थी ना, वो मेरी लोकल मार्केट से अभी मैं लेके आ गई हूँ। तो अब कर रही हूँ मैं सब्जी की तैयारी, ये है अरबी के पत्ते, साथ में है पहाड़ी मूली जो अभी लेके आई हूँ खेत से, तो ये वॉश कर दिया, इसको मैं कट करती हूँ, और बनाते हैं हम शाम का डिनर। तो मेरी पहाड़ी मिक्स वेज कट चुकी है, जिसपे मूली आलू और अरबी के पत्ते, और साथ में छोटे छोटे टुकड़े अदरक के, तो इसको मैं चढ़ा देती हूँ इधर। एक तरह
तरफ हो रहा है रात का खाना तैयार और एक तरफ प्राची की पढ़ाई चल रही है और मैं भी अब मतलब रोटी वगैरह बनाने की तैयारी करती हूँ। आज का जो ये वीडियो है ना, इसको छोटा ही रखते हैं क्योंकि टाइम पे काम निपटा के मुझे मेहंदी भी लगानी है फिर, क्योंकि लेट हो जाएगा। तो इसलिए इस वाले ब्लॉग को छोटा सा रखते हैं और आने वाला ब्लॉग ना बहुत अच्छा रहेगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने कोई भी सुझाव और प्रश्न रखने हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली नई वीडियो लेकर, तब तक ले जय देवभूमि उत्तराखंड।